हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नीलम। वेलकम टू माय चैनल गुलदस्ता। डेली लाइफ में हम और आप जो भी खाते हैं, अगर वही डिश एक अलग अंदाज में मिल जाए तो खाने का मजा ही आ जाता है। वही अगर एक नए स्टाइल में खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। बस इसी तरह आज मैं कॉलीफ्लावर मतलब गोभी को अलग तरीके से अवन में बनाऊंगी, जो आपको 100% पसंद आएगी। आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट जरूर करें। बेक्ड कॉलीफ्लावर बनाने के लिए मैंने एक छोटा सा गोभी का फूल ले लिया है और उसके ऐसे फ्लोरेट्स निकाल लिए हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, क्योंकि बाद में हमें मौका मिलेगा अगर हमने इसको छोटा करना है तो वी कैन डू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं इसे एक पैन में डाल लेती हूँ और इसमें मैं गर्म पानी डाल रही हूँ और साथ ही साथ क्या करूँगी, गैस ऑन करके इसे 2 to 3 minutes के लिए बॉयल कर लूँगी। ज़्यादा बॉयल नहीं करना, सिर्फ 2 to 3 minutes, ताकि इसके जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो भी डेड हो जाते हैं और साथ ही साथ ये थोड़े से टेंडर भी हो जाते हैं। इस पानी में 1/2 teaspoon सॉल्ट डाल देती हूँ और इसे ढक के 2 to 3 minutes के लिए बॉयल करने के लिए रख रही हूँ। इसका बैटर बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 2 eggs, 1/2 cup मिल्क। ये जो मिल्क है ये मैंने ल्यूक वार्म लिया है, ठंडा बिल्कुल मत लेना। और 1/2 cup ही मैंने ये ऑयल ले लिया है। जो मैंने ये कप लिया है, ये है तो कप बट मैंने पूरा ऊपर तक नहीं भरा, तो ये योगर्ट ये मैंने ले लिया। इसको विस्क कर लेते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ हमारा ये प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा 2 tablespoons, 1 teaspoon सॉल्ट एंड 1 teaspoon हमारी ब्लैक पेपर, 1 teaspoon पेपरिका और 1 pinch बेकिंग पाउडर। इसको एक बार फिर से विस्क कर लेते हैं। तो ये हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है। ये जो है हमारे फ्लोरेट्स बिल्कुल तैयार है। इन फ्लोरेट्स को हम सीव कर लेते हैं। इन फ्लोरेट्स को मैं पेपर टॉवल पे पलट देती हूँ, इन्हें हल्का सा मैं डैप कर देती हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। जिसमें आपने बेक करना है उस बेकिंग डिश को आप ऑयलिंग कर लें। तो ये जो हमारी बेकिंग डिश है जिसे मैंने ऑयलिंग कर दिया है, इसमें ये हम जो हमारे फ्लोरेट्स है ये डाल देते हैं। और अगर आपको लगता है ना कोई पीस काफ़ी बड़ा है, जैसे ये मुझे लग रहा है, तो मैं इसको हाफ कर दूंगी। ठीक है, तो ये फटाफट इसमें डालते हैं। पहले तो ये बड़ा है, मैं इसको हाफ कर देती हूँ। तो इसको हमने इसमें स्प्रेड कर दिया। अब ये जो हमने बैटर तैयार किया है इसको इसके ऊपर हमने डालना है, लेकिन कोशिश करें कि आप स्पून से डालें ताकि इवनली डल सके। अगर ऐसे भी आप डालते हैं तो ध्यान रखें कि सब तरफ आना चाहिए। इसको अब मैं क्या करूँगी, इसको हमने बेक करना है और मैंने दूसरी तरफ जो ओवन है वो ऑन कर दिया है, क्योंकि हमेशा कोई भी चीज़ अगर आप बेक करते हैं ना, हमेशा प्री हीटेड ओवन में करना चाहिए। तो मैंने उसे प्री हीट कर लिए। तो चलिए मैं अब इसको रखती हूँ ओवन में 200 degrees Celsius पर 20 to 25 minutes के लिए बेक करती हूँ। और निकालने से पहले मैं ना पीसेस को चेक कर लूँगी कि वो प्रॉपर पक गए हैं। उसके बाद हमने इसके ऊपर कुछ और भी डालना है। क्या डालना है मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये लीजिए हमारी कॉलीफ्लावर जो है ये बेक हो गई है। चेक करने के लिए आप किसी भी नाइफ को ऐसे आप इसके अंदर डाल के देख सकते हैं। अगर ये क्लियर आ गया इट मीन्स ये बिल्कुल तैयार है। अब इसके ऊपर मैंने ये चीज़ ग्रेट कर लिया है, तो ये चीज़ इसके ऊपर स्प्रेड कर लेते हैं। आपकी मर्जी, आप चीज़ शौक से खाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं, नहीं तो हल्का सा स्प्रिंकल कर लें। हमारे घर में शौक से खाते हैं तो मैंने सोचा चीज़ अच्छी तरह से डाल दिया जाए। ये मैंने चीज़ अच्छी तरह फैला दिया है। अभी ये पॉट गर्म है, हमें हाथ नहीं लगाना। और मैं अब इसको 5 मिनट के लिए ओवन में फिर से रख रही हूँ और इसको 5 मिनट के लिए ग्रिल कर लेती हूँ। ये लीजिए मैं ग्रिल भी करके ले आई। तो चलिए फटाफट इसे काटते हैं, इसे पीसेस में काट लेते हैं और हम इसको प्लेटिंग के लिए तैयारी कर लेते हैं। ये लीजिए बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। चलिए आप और हम मिलकर इसको एंजॉय करते हैं।